नमस्ते फ्रेंड्स, अगर हम पूरी दुनिया में देखें जो ग्लोबल इंसिडेंस हैं कैंसर का, मतलब जो इंसिडेंस का मतलब है जो नए केसेस हर साल आते हैं, उसमें करीबन करीबन 6.5 लाख से 7 लाख तक केसेस होते हैं कैंसर के, जिसमें करीब करीब 3.5 से 4 लाख लोग हर साल कैंसर की वजह से उनकी डेथ होती है या वो मर जाते हैं। इसमें से अगर देखें मेल्स और फीमेल्स में, तो हर लाख में इंडिया में अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो हर लाख के पीछे करीब करीब 6-7 वीमेन्स को कैंसर हो रहा है। और मेल्स में ये इंसिडेंस ज्यादा है क्योंकि मेल्स में हैबिट की ज्यादा होती है, उसमें करीबन 22 से 23 लोग को ये कैंसर होता है हर साल, अगर हम स्पेसिफिकली सिर्फ इंडिया की बात करें, जिसमें से ये 1/3 पूरे दुनिया का बर्डन हमारा देश है जिसमें ये कैंसर होता है। और इसका प्राइमरी जो इसका रीजन है वो है टोबैको च्यूइंग। अब जो रिसेंट इंक्रीज हो रहा है कैंसर का या मुंह के कैंसर का, जिसको हम ओरोफेरिंजियल कैंसर कहते हैं इंडिया में खासकर, तो ये देखिए पाया गया है कि हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस उसका कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बनता जा रहा है, खासकर हमारे इंडिया में। अब हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस क्या है, इसके बारे में क्या जानना हमने चाहिए और क्यों जरूरी है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो इन्फेक्शन है जिसकी वजह से कैंसर होता है पूरी दुनिया में, ये 1/4 से ज्यादा कैंसर कर रहा है। अगर हम सारे कैंसर को देखें, उसमें से 7.5% ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से हो रहे हैं। अगर हम डिवाइड करें मेल्स या पुरुषों और औरतों में, गर्भाशय ग्रीवा का जो कैंसर है वो 88% करीबन ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से हो रहा है। ओरोफेरिंजियल कैंसर जो मेल्स में होता है वो करीबन 64 से 65% ये इंडिया में खासकर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। अब ओरोफेरिंग्स क्या है? ओरोफेरिंग्स ये हमारे मुंह का पार्ट है जो बैक ऑफ द थ्रोट, मतलब गले के पिछला हिस्सा, जिसमें हम टॉन्सिल्स देखते हैं दो साइड में, और बेस ऑफ द टंग, मतलब टंग हमारी जहां से स्टार्ट होती है उसको बेस ऑफ टंग कहते हैं। तो गले का एक पार्ट हो जाता है जिसमें टॉन्सिल्स इन्वॉल्व होते हैं, और बेस ऑफ टंग जहां से टंग का स्टार्टिंग होता है, जो हम ये टिप देख रहे हैं, ये टिप नहीं, जो टंग का स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम ओरोफेरिंग्स कहते हैं। तो ये हो गया ओरोफेरिंग्स का पार्ट। जैसे मैंने बताया ये एचपीवी की वजह से, जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन की वजह से जो ओरोफेरिंजियल कैंसर जो मेल्स में होते हैं वो 63.2% है अनुमान के तौर पे। ये हो गया मेल्स में, इंडिया में खासकर देख लें। अगर हम फीमेल्स में देखें तो ये 3.6 से 4% तक ये कंट्रीब्यूट कर रहा है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, जिसकी वजह से ओरोफेरिंजियल कैंसर फीमेल्स में इंडिया में हो सकता है। ये जानने की बहुत जरूरत है कि ऐसा अनुमान लगाया है कि 2025 में करीब करीब 1,21,302 नए केसेस होंगे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से ओरोफेरिंजियल कैंसर में, जो अगर हम इंडिया में देखें करीबन 7.6% का कंट्रीब्यूशन उनका हो रहा है, जिसमें से अगर मेल्स में देखें तो 3.2% मेल्स में होगा, और करीब करीब 12% मतलब ये इंक्रीज हो गया है फीमेल्स में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से ओरोफेरिंजियल कैंसर हमारे इंडिया में। ये 2025 तक अनुमान लगाया कि इतने केसेस आगे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से दिखना शुरू हो जाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम इसको प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंशन का मतलब है कि हम इसको होने के पहले ही इसको रोक दिया जाए। आमतौर पे कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंट करने के लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि हम एचपीवी वैक्सीन, मतलब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन लगवा लें। दूसरा, स्क्रीनिंग पे ज्यादा ध्यान दें। मतलब कभी आपको ऐसा अनुमान हो कि आपके मुंह में ऐसे कोई चीज बन रही है तो आप जो कौन से टाइप के, क्योंकि कई टाइप के एचपीवी इन्फेक्शंस होते हैं, इसमें से जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना है वो एचपीवी टाइप 16 और 18, मतलब 16 और टाइप 18 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनोजेनाइटल इन्फेक्शन या कैंसर के लिए जो हो गया हमारे ग्रीवा हो गया, लिंग हो गया, अंडकोश हो गया, जिनमें कैंसर डेवलप होता है, तो ये एचपीवी 16 और 18 के जैसे होता है। हमारा ओरोफेरिंजियल कैंसर जो मुंह के और गले के लिए कैंसर जो होता है वो भी इस टाइप की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सबसे और बेहतरीन जो इसका उपाय है प्रिवेंशन का, वो है कि सेक्सुअली एक्टिव, मतलब आप सेक्सुअली एक्टिव होने के पहले इसके वैक्सीनेशन लगवा लें। इसकी वैक्सीनेशन 9 strains, मतलब 9 types जो होते हैं एचपीवी के, जो सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस माने जाते हैं, उसको कवर करती है, उसको रोकथाम में मदद करती है, जिसमें हमारा टाइप 16 और टाइप 18 भी इंक्लूडेड है इन 9 strains में, जिसकी वजह से हमको ओरोफेरिंजियल या गले का या थ्रोट का जो कैंसर हम कहते हैं या जबान के पीछे का जो कैंसर हो गया वो इसमें कवर हो जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली दुखद यह है कि आमतौर
पे हमको ये बताया नहीं जाता कि एचपीवी वैक्सीन फीमेल्स या बच्चों, लड़कियों और लड़कों के लिए बहुत जरूरी है। जब वो सेक्सुअली एक्टिव अभी नहीं हुए हैं तो उनको उस समय ये शॉट देना बहुत जरूरी है, ताकि वो लंबे समय तक या हमेशा के लिए उससे प्रिवेंशन कर सके या उससे प्रोटेक्शन उनको मिल सके। जितनी जल्दी ये वैक्सीन लगेगा उतने लंबे समय के लिए प्रोटेक्शन देगा, क्योंकि वो हमारी इम्यूनिटी को या रोग प्रतिकारक शक्ति को उस समय इतना मजबूत कर देता है कि कैंसर होने के चांसेस करीब करीब नहीं के बराबर रह जाते हैं। अगर वो कैंसर आपको एचपीवी या ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होना हो तो वो उसको प्रिवेंट कर सकता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जिसको हम एचपीवी इन्फेक्ट कहते हैं, या जो वायरस है, वे कैसे काम करता है? जब ये किसी इंसान को इन्फेक्ट करता है तो कई बार ऐसा होता है कि उसको उस समय कोई सिम्टम्स या साइंस नहीं होते हैं, वो एक तरह से वायरस डॉर्मेंट स्थिति में चला जाता है, मतलब वो अंदर सो जाता है। कई वर्षों के बाद ये वायरस कैंसर के रूप में अपना काम करना शुरू कर देता है। तो इन्फेक्शन होने के बाद हो सकता है कई साल लग जाए उस वायरस को कैंसर में कन्वर्ट होने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे वो डॉर्मेंट या सो जाता है और बाद में वो अपना काम या अपनी जो पावर है वो दिखाना, या पावर जो अपनी इफेक्ट्स है वो दिखाना शुरू करता है। उसमें कई वर्ष बीत जाते हैं जब इन्फेक्शन हुआ हो और कैंसर डेवलप हुआ हो। इसमें एक बहुत अच्छी खबर है कि अगर हमने अर्ली डिटेक्शन इसके एचपीवी रिलेटेड इन्फेक्शन को कर लिया तो ये बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि जितनी जल्दी स्क्रीनिंग आप कराएंगे या वैक्सीनेशन आप प्रॉपरली लेंगे तो आप अर्ली डिटेक्शन करवा के इसका ट्रीटमेंट अर्ली करवा सकते हैं, और वो ट्रीटमेंट को बहुत अच्छे रिस्पॉन्ड करते हैं। ऐसे कैंसर जो हो गए या बीमारियां जो होंगी जिस वजह से ये हो रहा है, जैसे हमारे एनोजेनाइटल के कैंसर्स हो गए, उनमें भी ये रिस्पॉन्ड कर सकता है अगर आप अर्ली डिटेक्शन करवाएं और अर्ली ट्रीटमेंट करवाएं। इस वीडियो के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए। आपको वायरस के रिलेटेड हो या कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं जहां भी कोशिश करूंगा कि आपको रिस्पॉन्ड कर सकूं। होप ये वीडियो आपको ठीक लगी होगी। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि हमको मोस्टली ये पता ही नहीं है कि एचपीवी के वैक्सीन कैसे लगाने चाहिए, कितनी बार लगाना चाहिए, ये हमारी अवेयरनेस में नहीं दिया गया है। इसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस आप देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं एचपीवी की वजह से। आपको अगर हो सकता है कि आपने टोबैको यूज नहीं किया हो, कोई अभी पान तंबाकू ऐसी कोई चीज यूज नहीं की हो, उसके बाद भी अगर कैंसर हो रहा है तो हो सकता है कि आपको एचपीवी इन्फेक्शन कहीं ना कहीं हुआ हो। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।